हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को वायरस की हिस्ट्री के बारे में बताने जा रही हूँ। हिस्ट्री ऑफ वायरस AKTU के एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर इसका क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसको किस तरीके से आपको करना होगा। अगर हिस्ट्री ऑफ वायरसेस का क्वेश्चन आता है तो आप इंट्रोडक्शन में थोड़ा वायरस के बारे में लिखेंगे कि वायरस होते क्या हैं। ठीक है, कि ये एक ए सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो जब तक किसी सेल के अंदर नहीं पहुंचते हैं तब तक ये लिविंग कंडीशन में नहीं आते हैं। वैसे कि नॉन लिविंग है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये ठीक ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं इसके इंट्रोडक्शन में। फिर आप हिस्ट्री शुरू करेंगे। सबसे पहले आप नाम लिखेंगे एडवर्ड जेनर का। एडवर्ड जेनर एक डॉक्टर थे, ठीक है, फिजिशियन थे। इन्होंने क्या देखा कि जो भी पर्संस जिनको काऊ पॉक्स हो जाता था, काऊ पॉक्स किसको होगा, जो काऊ के ही संपर्क में रहेंगे। ठीक है, तो जो काऊ पॉक्स डिजीज़ है वो काफ़ी माइल्डर फॉर्म ऑफ डिजीज़ है। तो जो भी काऊ से मिल्क को निकालने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को काऊ पॉक्स की डिजीज़ अगर हो जाती है तो इन्होंने देखा कि उनको स्मॉल पॉक्स वाली डिजीज़ नहीं हो रही है। ठीक है, इसी से उनको एक बेसिस मिला कि जिसको काऊ पॉक्स हो रहा है उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा, मतलब काऊ पॉक्स में जरूर कोई ऐसी चीज़ है जो स्मॉल पॉक्स को नहीं होने दे रही है। फिर इन्होंने क्या किया कि काऊ पॉक्स डिजीज़ का जो जो भी घाव वाली जगह थी, लेजन्स थे, वहाँ से उन्होंने मटेरियल निकाला। ठीक है, वहाँ पे जो भी इन्फेक्शियस एजेंट था उसको निकाला और उसको दूसरे लोगों में इंसर्ट कर दिया जिनको काऊ पॉक्स नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि जब काऊ पॉक्स के लेजन से निकाला हुआ मटेरियल उन्होंने दूसरे लोगों को लगाया तो उनको स्मॉल पॉक्स की डिजीज़ नहीं हुई। इसका मतलब ये हुआ कि काऊ पॉक्स का जो वायरस था और स्मॉल पॉक्स का वायरस काफ़ी सिमिलर था, और अगर काऊ पॉक्स का वैक्सीनेशन टाइप का एक चीज़ हो गई हो तो काऊ पॉक्स का जो उन्होंने लेजन अपने में इंट्रोड्यूस करवा लिया था इनएक्टिव फॉर्म में, उनको स्मॉल पॉक्स की डिजीज़ नहीं हो रही है। इस तरीके से स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बन गई। ठीक है, जबकि एडवर्ड जेनर स्मॉल पॉक्स के वायरस के बारे में कुछ जानते नहीं थे कि वो कैसा वायरस है, उसको किस तरीके से इनहिबिट किया जाए, उसकी लाइफ साइकिल कैसी होती, कुछ भी नहीं जानते थे ये। लेकिन तब भी इन्होंने क्या कर लिया, अपने पेशेंट को स्मॉल पॉक्स से बचा लिया। ठीक है, काऊ पॉक्स का जो भी मटेरियल था उसको इंसर्ट करके एज अ वैक्सीन, एक तरह से इन्होंने वैक्सीनेशन की भी स्टार्ट की। ठीक है, इनको फादर ऑफ वैक्सीनेशन भी कहा जाता है। तो देखिए, पहला पॉइंट, स्टार्टेड इनोक्यूलेटिंग ह्यूमंस विद मटेरियल फ्रॉम काऊपॉक्स लेजन। काऊपॉक्स लेजन का जो मटेरियल था उसको इनोक्यूलेट कहाँ किया, ह्यूमन के अंदर। इस तरीके से उन्होंने 23 सक्सेसफुल वैक्सीनेशन कर लिया 1798 में, मतलब कौन सी 18th सेंचुरी में। ही डिड नॉट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ स्मॉल पॉक्स वायरस बट ही सेव्स हिज पेशेंट फ्रॉम दिस डेडली डिजीज। और तो वो नेचर नहीं जानते थे स्मॉल पॉक्स का, तब भी उन्होंने अपने पेशेंट को बचा दिया। फिर देखिए लुईस पाश्चर आए। एडवर्ड जेनर और लुईस पाश्चर का नाम याद करने में आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। लुईस पाश्चर 19th सेंचुरी में आए। ठीक है, इन्होंने लिविंग इन्फेक्शियस डिजीज एजेंट के लिए, लिविंग इन्फेक्शियस डिजीज एजेंट के लिए वायरस शब्द का यूज़ किया सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद देखिए इवानोस्की आए। इवानोस्की की स्पेलिंग आप कैसे याद करेंगे, देखिए डी इवानोस्की है इसकी, देखिए ईवा नाउ, नाउ मतलब इसको कहते हैं अब, एस के आई स्काई, ईवा नाउ स्काई। तीन पार्ट में आप इसको तोड़ेंगे तो ये वर्ड आपको अच्छे से याद हो जाएगा, वरना स्पेलिंग गलत हो जाती है। ये किस पे काम कर रहे थे, टोबैको मोज़ेक की डिजीज़ पे काम कर रहे थे। इन्होंने बताया कि अगर टोबैको मोज़ेक डिजीज़ किसी प्लांट को हुई है, उस प्लांट का एक्सट्रैक्ट हम लेते हैं, उसको चैम्बरलैंड फिल्टर से पास कराते हैं। चैम्बरलैंड फिल्टर क्या करता है, बैक्टीरिया को क्या करता है, ट्रैप कर लेता है। उस फिल्टर में से जो फिल्टर करेंगे तो बैक्टीरिया फिर मेम्ब्रेन में ही रह जाएगा और जो फिल्ट्रेट होगा उसमें बैक्टीरिया नहीं आएगा। लेकिन उन्होंने क्या बताया कि टोबैको मोज़ेक डिजीज़ अगर किसी प्लांट को हुई है तो वहाँ से अगर हमने प्लांट एक्सट्रैक्ट ले लिया, उसको फिल्टर करने के बाद फिर से हेल्दी प्लांट में उसको जब हम ऊपर डाल देते हैं, इनोकुलेट कर देते हैं, तो वहाँ भी डिजीज़ हो जाती है। मतलब वो फिल्टर करने के बाद भी नहीं हटते कुछ इन्फेक्शियस एजेंट। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया था, टोबैको मोज़ेक डिजीज़ पे काम कर रहे थे। उन्होंने इन्फेक्टेड प्लांट का लीफ एक्सट्रैक्ट लिया, उसको फिल्टर किया, हेल्दी प्लांट में डाला और देखा तब भी डिजीज़ हो जा रही है फिल्टर करने के बाद भी, क्योंकि जो वो वायरस थे वो फिल्टर से रिमूव नहीं हो सकते थे, केवल बैक्टीरिया ही फिल्टर से रिमूव हो सकते थे क्योंकि वायरस का साइज बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, तो इवानोस्की, बैचरनिक की स्पेलिंग आप कैसे याद करेंगे, बीजिंग याद करते हैं ना, बीजिंग, तो बीज इस तरह से याद कर लीजिए, बैचर जेरनिक NCK। ठीक है, बाई
जर INCK इंक, ठीक है। 1898 में ये आया, इन्होंने सबसे पहले क्या टर्म दिया, फिल्टरेबल वायरस का टर्म दिया, फिल्टरेबल वायरस, क्योंकि जो वायरस होते हैं वो फिल्टर हो जाते हैं, फिल्ट्रेट में आते हैं, वो फिल्टर नहीं होते सॉरी, फिल्ट्रेट में आ जाते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि जो वायरस होते हैं वो केवल प्लांट सेल में या लिविंग सेल में ही मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर वायरस को, और जो वायरस होते हैं वो लॉन्गर पीरियड तक सर्वाइव कर सकते हैं ड्राइड फॉर्म में, ठीक है, ड्राइड फॉर्म में भी लॉन्गर पीरियड तक सर्वाइव कर सकते हैं, बैजरनिक ने बताया, ठीक है। बैजरनिक, स्पेलिंग इसकी ठीक से देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, लॉफलर एंड फ्रॉश, लॉफलर एंड फ्रॉश, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि जो हूफ एंड माउथ डिजीज है कैटल की, वो वायरस से होती है, हूफ एंड माउथ डिजीज, लॉफलर एंड फ्रॉश, हूफ एंड माउथ डिजीज वायरस से होती है, इन्होंने बताया था। उसके बाद आए डब्ल्यू रीड 1900, इन्होंने बताया कि जो येलो फीवर वायरस है वो ट्रांसमिट होता है मॉस्किटोज से, मतलब इन्होंने वैक्टर के बारे में बताया, और जो मॉस्किटो को अगर हम कंट्रोल कर लें तो येलो फीवर वायरस अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, या उसकी डिजीज की सीवियरिटी कम हो जाएगी, ये रीड ने बताया, मतलब रीड ने येलो फीवर वायरस के बारे में बताया, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद एलरमान आए, एलरमान ने क्या बताया कि ल्यूकीमिया वायरस से होता है, एलरमान, दो एल आ रहे हैं, मतलब ल्यूकीमिया के बारे में बताया, एलरमान ने बताया कि ल्यूकीमिया वायरस से होता है इन द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। नेक्स्ट देखिए, फिर आए राउस, राउस 1911 में आए थे, इन्होंने राउस सार्कोमा वायरस की खोज की थी, मतलब इस वायरस का नाम इनके नाम पे ही पड़ा था, और इन्होंने बताया कि ये वायरस जो है वो मैलिग्नेंट मसल ट्यूमर इन चिकन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब चिकन में मैलिग्नेंट मसल ट्यूमर के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है यही वायरस, मतलब ये वायरस क्या करता होगा, उसकी बॉडी में जाता होगा और उनके प्रोटो ऑन्कोजीन्स को ऑन्कोजीन्स पे कन्वर्ट कर देता होगा। उसके बाद देखिए टी वॉर्ट, ठीक, इन्होंने क्या बताया कि बैक्टीरिया भी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं, 1951 में इन्होंने बताया। फिर आए हेयरली ने क्या बताया कि इन्होंने बताया कुछ नहीं, इन्होंने बैक्टीरियल वायरस को आइसोलेट किया, ठीक है, कहाँ से, पेशेंट विद डिसेंट्री, मतलब डिसेंट्री जब हो जाता है तो हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया की वजह से डिसेंट्री होता है उससे उन्होंने वायरस को आइसोलेट किया, ठीक है। तो हेयरली ने क्या किया, वायरस को ऑब्टेन किया कहाँ से, डिसेंट्री के पेशेंट से। उसके बाद स्टैनली ने वायरस को क्रिस्टलाइज किया, टोबैको मोज़ेक वायरस को क्रिस्टलाइज किया, इसीलिए जाना जाता है केमिकल नेचर ऑफ वायरस को बताया था इन्होंने। उसके बाद देखिए बॉर्डन एंड पीरे आए, इन्होंने TMV को बताया सेपरेट किया प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड में, मतलब इन्होंने ये बताया, दो नाम है, मतलब इन्होंने ये बताया कि जो TMV का वायरस होता है वो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है। उसके बाद 1930 तक ये क्लियर हो गया कि वायरस जो होते हैं वो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर के बने होते हैं और केवल रिप्रोड्यूस करते हैं लिविंग सेल्स के अंदर, ठीक है। तो ये आपका इतना सफिशिएंट है जितना मैंने आपको बताया, ये इतने के बारे में आप पेपर लिख के याद कर लीजिएगा, ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं कुछ वायरसेस के आपको एक चार्ट दे दूँगी कि किस ईयर में कौन सी वायरस पे क्या डिस्कवरी हुई, उसको देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू। देखिए ये वो चार्ट है जिसमें वायरस की डिस्कवरी डेट और किस चीज़ की डिस्कवरी हुई है ये दिया गया है, इसको भी आप लिखना चाहें, याद करना चाहें तो याद करके लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये भी देख लीजिएगा। चलिए इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, थैंक यू।